हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को रमाई स्तुति को जारी है धन धन तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं जैसी तुम दारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। वडनगर में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। पूजन चल रही थी, चलते चलते अंत में जब अर्घ चढ़ने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि हम वडनगर में आ गए हैं। आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ? जब अर्घ चल रहे थे तो आदिनाथ भगवान को अर्घ चढ़ाया, फिर चंद्रप्रभु भगवान के पास पहुंच गए, फिर चंद्रप्रभु भगवान के बाद में हम शांतिनाथ भगवान के पास पहुंच गए, पार्श्वनाथ भगवान के पास, महावीर भगवान के पास, क्रमशः कितने कितने अर्घ चढ़ाते रहे। मुझे लगा ये खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज है, मैं भी तो हूँ। मुझे पता लग गया कि यहाँ आदिनाथ भगवान के बाद पद्मप्रभ भगवान का नंबर लग जाए तो ठीक, नहीं तो डायरेक्ट चंद्रप्रभ भगवान का ही नंबर लगता है। मुझे चंद्रप्रभु भगवान से किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप लोगों को अजितनाथ भगवान से क्या दुश्मनी है? संभवनाथ भगवान से क्या नाराजगी है? अभिनंदन नाथ भगवान का नंबर साल में कभी नहीं लगता है, सुमतिनाथ भगवान में क्या खराबी है? सोचना, गंभीरता से विचार करना भाई। जब चौबीसों ही तीर्थंकर समान है तो फिर ये रोजाना यही है अर्घ, और बाकी तीर्थंकरों को साल में कभी एकाध दिन कभी उनका कोई कल्याणक तिथि हो तो नंबर आ जाए, बाकी याद नहीं करते उनको। गंभीरता से विचार करने की बात है, हम इनको अर्घ चढ़ाएं लेकिन कम से कम औरों को भी याद किया करें। ये तो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके यहाँ इस आदिनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में क्या अकेले आदिनाथ भगवान की ही प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होंगी? नहीं ना, अकेले आदिनाथ की नहीं होगी, औरों की भी होगी। तो फिर इसका नाम आदिनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा की है ना, आदिनाथ भगवान के पंच कल्याण, आज आदिनाथ भगवान की चल रही, नेरीनाथ तो नहीं लेंगे, पार्श्वनाथ तो नहीं लेंगे, आदिनाथ भगवान का है ना पंच कल्याण, तो यहाँ दूसरे भगवान की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होगी कि नहीं होगी? होगी सर। अरे भाई, आदिनाथ भगवान तो विधि नायक है। विधि नायक इसलिए है कि यदि 2400 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करनी है तो उनमें किसी एक भगवान को विधि नायक बनाया जाएगा, जिनके जीवन चरित्र को पूरे पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में दिखाया जाएगा। आप सोचिए, यदि हम इसी जगह पर, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित हो रही है, तो उनके भी यदि पूरे जीवन को दिखाएं तो फिर क्या स्वरूप बन जाएगा? सब गड़बड़ा जाएगा ना। इसलिए किसी एक भगवान को प्रमुख करके उन्हें विधि नायक बना दिया जाता है, और सारी की सारी पंच कल्याण की प्रक्रिया उन एक भगवान के जीवन चरित्र को आधार बना करके प्रदर्शित की जाती है। कल्याण कल्याण चल रहे हैं, कल्याण कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तीन चार दिन हो गए ना, तो तीन चार दिन में कुछ कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? भाई छह दिन का पंच कल्याण, बराबर छह में से तीन दिन निकल गए,
अब पिछले 3 दिनों में कुछ कल्याण नहीं हुआ तो 50% तो निकल गया समय, 4 दिन हो गए, चौथा यार। तो पिछले 3-4 दिन में कल्याण नहीं हुआ तो अब कैसे कल्याण हो जाएगा बचे हुए टाइम में, तो 50% तो होना चाहिए था भाई साहब। कल्याण किसका नाम है, ये कल्याणक क्या है? तीर्थंकरों के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाला विशिष्ट प्रकार का उत्सव ये कल्याणक कहलाता है। ये तो कल्याणक है, लेकिन कल्याण किसका नाम? ये रत्नत्रय कल्याण स्वरूप है, आत्म अनुभूति कल्याण स्वरूप है, सम्यक दर्शन कल्याण स्वरूप है, चारित्र अंगीकार करना कल्याण स्वरूप है, और ये सब अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में चलते हुए परम मुक्ति की प्राप्ति कर लेना सो कल्याण स्वरूप है। अब बतलाओ इनमें से हमारा कौन सा कल्याण हुआ? प्रतिमाओं के ऊपर तो सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है, गर्भ कल्याणक हो गया, उस समय प्रतिमाएं ढकी हुई थी, जन्म कल्याणक था, वस्त्र आभूषण पहने हुए दिखाई दे रही थी, दीक्षा कल्याणक का प्रसंग, और दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर पीसी कमंडल आ जाएंगे और कपड़े भी उतर जाएंगे, तो हमें तो वहां प्रतिष्ठा होती हुई दिखाई दे रही है, वहां कल्याण घटित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है अंदर में? यहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं? सब यहाँ क्या होना है, यहाँ क्या होगा? चल रहा है, हम आए हैं देखने के लिए और देख रहे हैं, लाभ ले रहे हैं कि भाई इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आई हुई पाषाण की प्रतिमाएं 5-6 दिन बाद भगवान बनकर के निकल जाएगी, और हम यहाँ आए हैं, हम क्या बनकर के निकलेंगे? क्या जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रकटाता है, मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य बन जाता है। क्या क्या हुआ? ये तो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रक्रिया बतला दी। पाषाण का शिलाखंड था और शिल्पी ने बिंब प्रकटा दिया उसमें, पाषाण के शिलाखंड में। जिस प्रकार पाषाण खंड में शिल्पी बिंब प्रकटाता है, फिर क्या होता है? मंत्र विधि से हो ये प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य बन जाता है। उस प्रकार वो तो प्रतिमा की भगवान बनने की प्रक्रिया हुई, अब हमारे लिए क्या करना है? उस प्रकार मैं निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धर। क्या क्या करना है भाई साहब? पता नहीं भाई साहब क्या करना है? निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब, पाषाण के शिलाखंड में मूर्ति का बिंब प्रकट किया। किसके माध्यम से किया गया? उस शिल्पी के माध्यम से, और यहाँ मेरे माध्यम से क्या किया जाना है? उस प्रकार मैं निज परिणति में ज्ञायक का प्रतिबिंब धरूं। और वहां तो मंत्र विधि से हुई थी प्रतिष्ठा, और यहाँ किससे होगी? रत्नत्रय से होए प्रतिष्ठा त्रिजग पूज्य पद प्राप्त करूं। क्या रत्नत्रय से प्रतिष्ठा हो, रत्नत्रय से प्रतिष्ठा हो भाई साहब। आज तो चारित्र का दिन है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना सुख की उत्पत्ति नहीं होती, और सुख और आनंद की उत्पत्ति के बिना इस जीव का कल्याण नहीं होता। आत्मा का हित यदि किसी चीज में है तो किसमें है? एकमात्र सुख सुख सुख। दौलत राम जी की 6 डाला की पंक्तियां, 3री ढाल का 1वां छंद। एकमात्र यदि हित किसी चीज में है, बतलाओ किस चीज में? ठंड बहुत है, थोड़ा सा अच्छे से पैक हो जाए तो भला हो जाए सबका। क्यों, किसमें किसमें हित दिखाई दे रहा है आपको? अच्छे भोजन में, अच्छे मकान में, अच्छी व्यवस्थाओं में, अच्छी सुविधाओं में किसमें भलाई है? देख भाई तेरी इसी में भलाई है तो चुपचाप ये काम कर देना। कहां कहां हमारे को भलाई दिखाई देती है, हमारे को हित कहां कहां दिखाई देता है, लेकिन तेरा हित तो सुख प्राप्त करने में है भाई। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मंगला क्यों चाहिए। आत्मा का हित तो सुख प्राप्त करने में है, और सुख कहाँ है? आप
आकुलता बिन, जहां आकुलता नहीं हो। ये चलते चलते जब अर्ग और चढ़ने लगे तो मैंने कुछ लोगों के चेहरों को देखा, अरे और बढ़ाए जा रहे, और बढ़ाए जा रहे, समय हो रहा है, ये कितने अर्ग चढ़ाएंगे, एक के बाद एक अर्ग चढ़ाते जा रहे, समय नहीं दिख रहा है, प्रभुजन का समय हो रहा है, आगे भी कार्यक्रम है, क्या हो रहा है भाई साहब? आकुलता, आकुलता हो रही है, ऐसा काम हो जाए तो भाई, आकुलता जहां है वहां सुख नहीं है, और जहां आकुलता का अभाव है वहां सुख है। आत्मा का हित आकुलता के अभाव में है, और वो जो सुख है वो सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। वास्तव में तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन निराकुल है, ये अज्ञानी सौ सिर का हो जाए ये कोई निराकुल हो नहीं सकता है। टोडरमल जी कहते हैं आकुलता की थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, थोड़ी सी मंदता होती है, उसमें ऐसा समझ लेता है कि सुख हो गया, सुख नहीं है। दुख की थोड़ी सी कमी हुई है, उसमें ऐसा समझ लिया है कि सुख हो गया है, सुख हुआ ही नहीं है। अरे आत्मा अनुभव के बिना, त्रिकाली गुरु क्या है, भगवान आत्मा पर दृष्टि पड़े बिना सुख की उत्पत्ति नहीं होती, सुख की शुरुआत नहीं होती। सम्यक दर्शन के बिना सुख की कल्पना ये झूठी कल्पना है, ये मिथ्या कल्पना है। हर कदम कदम पे आकुलता है, हर कदम कदम पे आकुलता है। इधर काम हो जाए तो आकुलता मिटती हुई दिखती है ना, कि दूसरी आकुलता दिखाई देती है। पूजन में आकुलता, प्रवचन में बैठे हैं तो प्रवचन में आकुलता, सुनने की आकुलता, सुबह उठने से आकुलता आकुलता शुरू होती है हमारे, नहाने धोने से लेकर कपड़े बदलना, पहनना, फ्रेश होना, मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, पूजन करना, हर क्रिया में आकुलता दिखाई देती है। भागते दौड़ते घर पहुंचता है, खाना खाता है, ऑफिस जाने की आकुलता, दुकान पर पहुंचने की आकुलता, वहां की आकुलता, घर आने की आकुलता, हर समय भाग रहा है, दौड़ रहा है। किसके लिए दौड़ रहा है भैया? सुख के लिए दौड़ रहा है, फिर सुख मिला कि नहीं मिला? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हो, जा रहा है क्या, जा रहा है क्या? सुख सुख दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? सारे प्रयत्न करते हुए भी सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जितने प्रयत्न किए गए हैं ये सारे के सारे प्रयत्न उल्टे किए गए हैं, ये सारे प्रयत्न विपरीत किए गए हैं। ये जो प्रक्रिया यहाँ चल रही है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, इस पूरी प्रक्रिया में वो विधि बतलाई गई है कि ये भक्त भगवान कैसे बनता है, ये आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है, परम आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, अनंत सुख प्रकट करने की प्रक्रिया पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में बताई जाती है। और ये सुखी होने की प्रक्रिया कहां से शुरू हो गई इनकी, कि जिस भाव में सम्यक दर्शन लिया था ना वहीं से शुरू हो गई। फिर कर्म प्रकृति बन गई थी तीन भाव पहले, और फिर उसके बाद में सर्वार सिद्धि में चले गए, और सर्वार सिद्धि में जाकर के ऋषभ देव प्रभु बनने वाले 33-33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहे, फिर गर्भ में आ गए, तीन तीन ज्ञान के धारी थे भाई साहब, तीन तीन ज्ञान के धारी, कब से? जन्म से नहीं, नहीं जन्म से नहीं, उससे भी पहले से, गर्भ से नहीं, गर्भ से नहीं, उससे भी पहले से, पिछले भाव में जहां थे वहां से। सर्वार सिद्धि में थे तो तीन ज्ञान के धारी नहीं थे क्या? वहां मति शुद्ध ज्ञान के साथ में अवधि ज्ञान नहीं था क्या सर्वार सिद्धि में? तो तीन ज्ञान के धारी तो पिछले जन्म से थे। आप कल्पना करो यार, ये बालक, जो बालक तीन तीन ज्ञान का धारी पिछले भाव से है और यहां आ गया है, सम्यक सहित है, गर्भ में पद्मासन से विराजमान है, शांति में 9 महीने गर्भावस्था में रहे, लेकिन 9 महीने गर्भावस्था के बीच में भी अतिंद्रिय आनंद से संपन्न है। कैसा लगता है, क्या बात कर रहे हो, कि यदि वो अतिंद्रिय आनंद से संपन्न न हो, आत्म अनुभूति न होवे, तो चौथे वर्षस्थान से नीचे गिर जाए। गर्भ की बात कर रहा हूं मैं, वो गर्भ अवस्था में रहता हुआ बालक जब शरीर पूरी तरह से बन करके तैयार नहीं हुआ है मेडिकल साइंस की दृष्टि से, वहां तो शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई अंतर्भूत में हमारे आगम के अनुसार, तो ऐसी अवस्था में भी ये जीव अतिंद्रिय आनंद से संपन्न हो सकता है,
और हम सोचते हैं कि साहब इस परिस्थिति में नहीं हो सकता, इस स्थिति में नहीं हो सकता, शरीर के बिना नहीं हो सकता, संयोगों के बिना नहीं हो सकता, अभी तो माहौल ऐसा नहीं है, अभी तो परिस्थितियां ऐसी नहीं है, शरीर चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाथ पांव पूरी तरह से बन करके तैयार नहीं हुए हैं अभी, शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है अभी, और वहां अतिंद्रिय आनंद का अनुभव ले रहे। यदि वहां सर्वार्थ सिद्धि में देह विलय होने के महीने डेढ़ महीने पहले आत्मा का अनुभव हुआ हो, तो यहां तीन चार महीने का गर्भ में होगा तो आत्मा का अनुभव उसके पहले पहले होना चाहिए ना। छह महीने में आत्मा का अनुभव करने का विधान है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को यदि छह महीने के अंदर अंदर आत्मा का अनुभव नहीं हुए तो गुणस्थान गिर जावे। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को 15 दिन में आत्मा का अनुभव नहीं हुए तो गुणस्थान नीचे गिर जावे। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीव को अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव नहीं हुए तो गुणस्थान नीचे गिर जावे। ध्यान रखना, ये गुणस्थानों के नीचे भी गिरने संबंधी तो विधान है, लेकिन यदि इतने ही काल में दोबारा आत्मा का अनुभव हो जावे जल्दी जल्दी तो गुणस्थान बढ़ने का विधान नहीं है। कुछ बात कह रहा हूं, क्या क्या कह दिया मैंने? यदि छह महीने में एक बार भी आत्मा का अनुभव ना होवे तो गुणस्थान चौथे से नीचे गिर जावे, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती छह महीने में एक बार आत्मा का अनुभव करता है। अरे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अंतर्मुख होकर के रोजाना आत्मा का अनुभव करे ऐसा भी संभव है। क्या बात कर रहे हो, रोजाना आत्मा का अनुभव करने लग गया तो पंचम गुणस्थानवर्ती नहीं हो गया फिर तो? कि नहीं हुआ ऐसा, हमने तो ऐसा ही तो ना छह महीने में एक बार है, छह महीने में एक बार की तो लिमिट कही है। मैं इस बात के आधार पर सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि यदि 9 महीने गर्भ अवस्था में अनेक बार उन्हें आत्मा का अनुभव हो रहा है और पूर्ण रूप से शरीर की अवस्था नहीं दिखाई दे रही है तो यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि शरीर की अवस्था आत्मा के अनुभव में कारण नहीं है। आत्मा के अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति करने के लिए शरीर की अवस्था की तरफ देखने को छोड़ो, लोग ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। भाई साहब शरीर का ध्यान रखो, भाई साहब शरीर का ध्यान रखो, शरीर है तो फिर साधना हो पाएगी, शरीर है तो ध्यान हो पाएगा, शरीर है तो आराधना हो पाएगी, शरीर है तो धर्म ध्यान कर पाओगे। अरे शरीर से धर्म नहीं होता, शरीर रहे तो रहे और शरीर न रहे तो भी अनंत गुण प्रकट हो सकते हैं, अनंत धर्म प्रकट हो सकते हैं। बोलो सिद्ध अवस्था कैसी अवस्था है? वो अशरीरी है वो अवस्था, तो जन्म हो गया, छोटे से बालक महीने 2 महीने के हुए हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, पल्ले में झूल रहे हैं, लोग उनको खिला रहे हैं, देव लोग खिलाने के लिए आ रहे हैं, अभी अकेले आनंद से संपन्न दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है भाई, घुटनों के बल चलते हुए, घुटनों के बल चलते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर बनने वाले जी के सीधे पैरों से चलते हैं क्या भाई साहब? घुटनों के बल चलते हैं, चलते ही होंगे, अंगूठा चूसते होंगे कि नहीं? अंगूठा चूस रहे हैं, अंगूठे में अमृत भर दिया गया है। जन्म कल्याणक के समय, कल हुआ था ना जन्म कल्याणक के समय, सौधर्म इंद्र के माध्यम से वहां 2 अंगूठे देखे जाते हैं विशेष रूप से, एक पैर का अंगूठा और पैर के अंगूठे में जो चिन्ह दिखाई देता है उसके आधार पर नक्की होगा, वही ये जो है भविष्य में इस चिन्ह के आधार पर इनकी प्रतिमाओं को पहचाना जाएगा। बात क्या चिन्ह था ऋषभदेव का? ऋषभदेव का चिन्ह बैल का। तो जब आप दर्शन कर रहे थे तो आपको बैल दिख रहा था क्या? तो दर्शन करें तो उनका चिन्ह दिखना चाहिए कि नहीं? बैल। महावीर भगवान का क्या चिन्ह? शेर का। सही से बतलाओ, शेर का चिन्ह पक्का? महावीर भगवान, भगवान का चिन्ह शेर का है? भगवान को शेर से पहचानते हो? भगवान को बैल से पहचान रहे हो? कैसे कैसे पहचानेंगे? अरे भगवान का चिन्ह ये नहीं है, ये तो उनकी प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है। थोड़ा सा उपयोग को लगाओ भैया, क्या क्या समझ रहे हो आप?
ये जो चिन्ह कहा है, हाथी का चिन्ह कह दिया, बैल का चिन्ह कह दिया, 2400 तीर्थंकरों के अलग अलग चिन्ह कह दिए गए, ये चिन्ह किसके चिन्ह है? ये भगवान के नहीं है। बताओ शांतिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? बोले हिरण का। अरे नहीं, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा का चिन्ह हिरण है। शांतिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? कि वीतरागता और सर्वज्ञता। महावीर भगवान का चिन्ह क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता। महावीर भगवान के दर्शन कैसे करना? कि वीतरागता और सर्वज्ञता से करना, इस चिन्ह से पहचान करके करना। गड़बड़ी यही हो रही है कि भगवान के दर्शन तो हो रहे हैं लेकिन उनको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, लक्षण ही नहीं पहचाना, वही गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, शरीर में देखा था सौदर ने इंद्र ने चिन्ह, और निर्णय कर लिया कि भविष्य में जब इनका निर्माण हो जाएगा तो उसके पश्चात इनकी प्रतिमाओं को इस चिन्ह के माध्यम से पहचाना जाएगा। ये बात तो हुई पैर के अंगूठे की। अब हाथ का जो अंगूठा है, उस अंगूठे में इंद्र के माध्यम से अमृत भर दिया जाता है कि ये जब बाल तीर्थंकर का जीव, ये जब घर बैठ करके छोटा सा महीने दो महीने का जब अंगूठा चूसेगा तो अमृत का पान करे, तो अमृत पीता होगा यहां से। अरे भाई, ये अमृत तो जड़ अमृत है जो सौदर में इंद्र के माध्यम से रिद्धि के प्रभाव से भर दिया गया है। अंदर में तो अतिंद्रिय आनंद रूपी अमृत का पान करता है। वे छोटे छोटे से बाल्य अवस्था में आनंद से सराबोर रहने वाले ये बाल तीर्थंकर युवा हो गए। अरे युवा क्या प्रौढ़ हो गए, अरे प्रौढ़ क्या वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। दीक्षा ही निकले, ऋषभदेव स्वामी की बात कर रहा हूं। 84 लाख पूर्व में से 83 लाख पूर्व की अवस्था, आज दिन कौन सा है? तब कल्याण का दिन, तब कल्याण का दिन। सुबह बोला था तब कल्याण महोत्सव की, मैंने तब कल्याण महोत्सव है, अभी पीछे जाकर के देखो तो भगवान तो कपड़े पहने हुए। बोले आपके तब कल्याण में भी कपड़े पहने रहते हैं? तब कल्याण में भी कपड़े पहने रहते हैं भगवान? कि नहीं नहीं, तब तो अब होगा, तब तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो काल जन्म कल्याण का चल रहा है। ये जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक जन्म कल्याण का काल है। और तिथि कौन सी है आज? बारस नौमी, नौमी दशमी। कौन सी तिथि? परसों अष्टमी थी ना, संडे को अष्टमी थी, आज दशमी हुई ना, ग्यारस। चैत्र कृष्ण नौमी दिनांक, चैत्र कृष्ण नवमी का दिन है भाई साहब, चैत्र कृष्ण नवमी का दिन। अच्छा जन्म कौन से दिन हुआ था? इसी दिन, जिस दिन जन्म उसी दिन दीक्षा। एक नहीं, 19 तीर्थंकर ऐसे हैं, और तिथि भेद से यदि देखें तो 21 तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली। आप देखना पंच कल्याणों की तिथियां तीर्थंकर परमात्माओं की, आप महसूस करेंगे, अरे जिस दिन जन्म उसी दिन दीक्षा। माने हमारे तीर्थंकरों ने दीक्षा या अपना जन्म दिवस, जन्म कल्याण का दिन, जन्म दिन दीक्षा लेकर के मनाया। कैसे मनाते थे जन्मदिन? कैसे मनाते? केक काट के? अरे आप क्यों करते हो ऐसा? केक काट करके पार्टी दे करके होटलों में रेस्टोरेंट में लोगों को बुला करके मित्रों के साथ में, माने साल भर जो असंयम ना हुए वो विशेष रूप से असंयम जन्मदिन के दिन दिखाई देता है। लो अरे भाई, ये जन्म जन्म मरण के अभाव करने के लिए मिला है, ये जन्म संयम अंगीकार करने के लिए मिला है, ये तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन और जन्मदिन के दिन दीक्षा का प्रसंग ये दिखाता है कि ये जो तुम्हारा जन्म हुआ है ये दीक्षा लेने के लिए हुआ है, ये जो मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है ये संयम अंगीकार करने के लिए हुई है। मैं जब लोगों से पूछता हूँ सभाओं में कि आपके जीवन का उद्देश्य
क्या है, तो बस यहीं तक की बात करते हैं कि पंडित जी देह छूटने के पहले पहले देह देवालय में विराजमान आत्मा के अनुभव हो जाए, दर्शन हो जाए, बस और क्या चाहिए, इतना हो जाए। देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान आत्मा के दर्शन हो जाए और क्या चाहिए हमारे। अरे भाई ऐसा आत्मदर्शन तो गधा कर सकता है। आपको बुरा लग रहा होगा गधे की बात कर रहे हो, क्यों, सैनी पंचेंद्रीय है, सब में दर्शन ले सकते हैं। कुत्ते बिल्ली के जीव कर सकते हैं, गाय भैंस कर सकते हैं, शेर का जीव कर सकता है, हाथी का जीव कर सकता है, वो आत्मा का अनुभव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति। असंख्यात नार की जीव है जो चतुर्गुण स्थानवर्ती है, असंख्यात देवगति के जीव है जो चतुर्गुण स्थानवर्ती है, असंख्यात त्रियंज गति के जीव है जो चौथे ही नहीं पंचम गुण स्थानवर्ती है। बोलो चौथा नहीं अकेला पंचम गुण स्थानवर्ती असंख्यात त्रियंज है। आपकी हमारी क्या स्थिति है? स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले अनगिनती महावच्च पंचम गुण स्थानवर्ती, ओ पंचम गुण स्थानवर्ती, अपनी क्या स्थिति है, कौन सा गुण स्थान, कितनी तैयारी चल रही है, कहां तक जाने की बात चल रही है और कितना लक्ष्य है। भाई साहब सम्यक दर्शन तो हो ही जाए, बस सम्यक दर्शन तो हो ही जाए, सम्यक दर्शन तो हो ही जाए, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। लक्ष्य यदि तुम्हारा छोटा है तो बड़ा अपराध समझना इसको। अरे लक्ष्य तो चले सातवें गुण स्थान का रख। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पंचम काल चल रहा है सब बेकार है, कुछ भी नहीं हो सकता है इस काल में। हम तो ऐसे नहीं, हम तो कहते हैं भाई हो सकता है, कितना हो सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता, लोग ऐसा कहते हैं मोक्ष नहीं हो सकता। अरे मोक्ष नहीं हो सकता लेकिन छठा सातवां तो हो सकता है, छठे सातवें का निषेध तो नहीं आया है कहीं आगम में, तो तुम भावना क्यों नहीं भाते हो। संत साधु वन के विचरू वह घड़ी कब आएगी, भजनों में रहेगी ये बात सिर्फ, भजन बोलेंगे तभी बोलेंगे सब, ये तो संत साधु वन के विचरू जीवन में दिखता है कि नहीं, अपने परिणामों में आता है कि नहीं, भावों में आता है कि नहीं, ये तो संयम का दिन है भाई साहब। ऋषभ देव प्रभु संयम अंगीकार करने वाले हैं, 83 लाख पूर्व बीत गए, इंद्र को विकल्प आ गया, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, दीक्षा लेने का विकल्प नहीं आ रहा है इनको, दीक्षा लेने का परिणाम नहीं आ रहा है इनको, क्यों, अवधि ज्ञान का प्रयोग किया उसने, एक यहां अवधि ज्ञान का प्रयोग कर लिया कि क्या होगा, अरे दीक्षा का प्रभाव निरंजना को भेजना पड़ेगा, अवधि ज्ञान का प्रयोग पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं भेजा, विकल्प तो सौधर्मेंद्र को बहुत समय से चल रहे थे, पहले क्यों नहीं भेजा कि देखो जब तक इधर दीक्षा लेने की पात्रता नहीं पकती है तब तक उसकी ज्ञान की पर्याय में इस तरह का विषय भी नहीं बनता है। ये कैसा निरंतर नैतिक संबंध है, ये कैसा स्वरूप है। दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक तो ऋषभ देव स्वामी उठे नहीं, बराबर, और फिर 7 महीने और 9 दिन आर की विधि नहीं मिली, विधि नहीं मिल रही, फिर क्या हुआ, रोजाना चक्कर लगा रहे, निकल रहे हैं आर के लिए, रोज घूम रहे हैं, रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, फिर क्या हुआ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हो जाता ना कुछ, कुछ तो होता। ऋषभ देव तो 4 ज्ञान के धारी हो गए हैं भाई साहब, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, इससे दीक्षा के पहले तक 3 ज्ञान के धारी थे, मति शूद्र अवधि ज्ञान के धारी, और दीक्षा लेते ही मन पर ये ज्ञान प्रकट हो गया, 4 ज्ञान के धारी हो गए। अब जब 1 दिन चक्कर लगा करके आए, 2 दिन चक्कर लगा के आए, 3 दिन चक्कर लगा करके आए नगर में, और आर की विधि नहीं मिली और व्यवस्था नहीं थी, तो अवधि ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए था कि नहीं, विजय वैसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा प्रयोग करके देख लेते कब होना है अवधि, बैठे 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 एकदम अवधि ज्ञान, यार 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हो नहीं रहा है, एक बार अवधि ज्ञान में देखो जरा कब होना है। अच्छा वो वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया का दिन, और श्रेयस के यहाँ होगा, चलो उसी दिन उठेंगे और डायरेक्ट उसी के यहाँ जाएंगे, वही होना है ना, अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे। मुझे देखो आप गजब हो गया भाई, जन्म से मति शुद्ध अवधि ज्ञान के धारी, अभी मने पर ज्ञान भी हो गया और मैं अवधि ज्ञान मने पर ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब यह है आहार जैसी तुच्छ चीज के लिए अवधि ज्ञान का प्रयोग
योग करना मुनि राजों को योग्य दिखाई नहीं दिखाया। क्या क्या आप भी ज्ञान का प्रयोग करें, इसके लिए मिलना होगा तो मिलेगा। और सुनो, गजब की बात तो यह है कि जब आहार ग्रहण करने का विकल्प ही आ गया तो आत्मा ने तो आहार ग्रहण कर लिया। समझ में आ रही है बात? यहां तो आहार हो गया, जब आहार ग्रहण करने का विकल्प आ गया तो अब तो ये क्या है, जब विकल्प आ गया है तो विकल्प की पूर्ति के लिए गए हैं, आहार के लिए नहीं, विकल्प की पूर्ति के लिए गए हैं। और भूल करके आ गए, विकल्प शांत हो गया, बैठे रहेंगे तो शायद विकल्प भोजन का आता रहे, और चक्कर लगा करके आ गए तो विकल्प टूट गया। फिर कैसे होगा भाई साहब आहार? फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक क्या हुआ, 13 महीने 9 दिन बाद में क्या हुआ, वो जो था ना राजा श्रेयांश, अभी तक तो इसलिए आहार नहीं मिल रहा था क्योंकि कोई जानता नहीं था, विधि नहीं जानता था। अब क्या हुआ, अब कैसे पता लग गया उसको, अब कैसे पता लग गया, जाति स्मरण हो गया उसको, जाति स्मरण हो गया था राजा श्रेयांश को, जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जाति स्मरण क्या होता है, जाति स्मरण क्या होता है, अवधियन मने पर ये कौन सा करे, 5 ही ज्ञान है हमारे यहाँ तो, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ज्ञान, केवल ज्ञान, इन 5 प्रकार के ज्ञानों में से जाति स्मरण ज्ञान कहाँ है? तो ये 5 में से जाति स्मरण ज्ञान कौन सी जगह पर है, मति, मति स्मृति चिंता अविबोध इत्यनर्थांतरम, मति ज्ञान के पर्यायवाची कहे ना, स्मृति कहा है, मति वो मति ज्ञान का प्रकार है, मति श्रुत ज्ञान में जाति स्मरण हुआ करता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, राजा श्रेयांश को मति श्रुत ज्ञान पहले से था, ये जाति स्मरण ज्ञान में आहार दान की विधि पिछले 7 महीने में क्यों नहीं गया में आई कि सुनो, जब तक आहार प्राप्ति का योग नहीं हो तब तक उसके भी ज्ञान की पर्याय में आहार दान की विधि जानने में आवे, ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। इधर आहार दान का योग ग्रहण करने का योग और उधर उसके ज्ञान के परिणाम करने की वैसी योग्यता, ये कैसी स्वाधीनता है, एक ऐसा स्वरूप है। पुण्य की कमी नहीं थी भाई साहब ऋषभ देव के, ध्यान देना, दीक्षा कल्याण का प्रसंग है, 7 महीने तक घूम रहे, पुण्य की कमी नहीं थी क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी है, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है, अंदर में वो ऐसी प्रकृति बैठी हुई है जिसके समान 148 कर्म प्रकृतियों में दूसरी कर्म प्रकृति नहीं है, इतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य का उदय। गर्भ समय में रत्न बरस रहे हैं, पहले से रत्न बरस रहे हैं, जन्म होने पर मेरु पर्वत पर अभिषेक, पांडुचला पर भेजा करके अभी 1008 कलशों से अभिषेक हो रहा है, खेलने के लिए देव लोग हैं साथ में, सेवा करने के लिए देवियां वहां मौजूद है, वस्त्र और आभूषणों की व्यवस्था सब स्वर्ग से है, भोजन की व्यवस्था तक स्वर्ग से की जा रही है, दीक्षा लेते समय पालकी उठा करके आ गए हैं, आएंगे पालकी लेकर के, आने वाले थोड़ी देर में, ऊपर से तो रवाना हो चुके हैं, फिर तो ऐसे थोड़ी ना होगा अचानक आ जाएंगे, बस निकल निकल चुके होंगे ना, तभी तो आपके दरवाजे पर यदि बारात आती है तो रवाना तो होती है पहले कहीं से, क्या अचानक प्रकट हो जाती है दरवाजे पे, वहां से तो निकल गए पालकी लेकर के, और यहाँ आने वाले हैं थोड़ी देर में, पालकी लेकर के आ जाएंगे, फिर सबको मालूम है क्या होगा, वहां क्या होगा भाई साहब, देवों और माने मानवों में चर्चा ये चल पड़ी पालकी उठाने का, पालकी कौन उठाएगा, हम उठाएंगे, सारी व्यवस्थाएं स्वर्ग के देव कर रहे हैं, और पालकी में सोचता हूँ कभी कभी ऐसा, मैंने भी वहां भी कही थी पीछे सलामत पंच कल्याणक में भी, सभी जगह पर जहाँ जहाँ पंच कल्याणक में प्रसंग और मेरा अवसर जहाँ जैसा होता है, ये जो काम है ये समझ में नहीं आता है, ये विवाद का क्या लफड़ा है, ये होता होगा क्या ऐसा कोई विवाद, होता होगा ऐसा कोई झगड़ा होता होगा आपस में, कोई तू तू में होती होगी, और इतनी अकड़ करके बोलते देखना भूमि को इतनी विद्या करके होंगे मनुष्य गति के, तो कैसे दादागिरी से बात करेंगे, और जो माइक पर खड़ा होकर के जितने अच्छे से दादागिरी से जोश से बोलेगा उतनी तालियां बजेगी सामने से, और क्या जवाब दिया इसने, गजब ऐसा जवाब देते होंगे।
देवपति के जीव देखो तो वो अकड़ करके दादाजी से बोल रहे, ये क्या है, ये ऐसा कुछ होता होगा। ऋषभ देव का जब ये दीक्षा कल्याण का प्रसंग बना, उससे कितने समय पहले देव लोग पालकी लेकर के आए होंगे, बोलो अंतराल मतलब उससे कितना समय पहले पालकी लेकर के उतरे स्वर्ग से दीक्षा के लिए, बोलो। क्योंकि उससे पहले कौन तीर्थंकर हुए थे, उससे पहले भूतकालीन 24 के अंतिम तीर्थंकर, और काल कितना बीत गया, 18 कूड़ा कूड़ी सागर का काल बीत गया था। लेकिन भाई यह बात तो भरत क्षेत्र की अपेक्षा से है, विदेश क्षेत्र में तो तीर्थंकर होते ही रहते हैं। शायद यहां से बतलाई होगी इंद्र सभा राज सभा में हमारे रजनी भाई ने बात आपको बताई की होगी, मैं बतलाता हूं हमेशा आगम आधार से बात। एक तीर्थंकर के जीव के पंच कल्याणक सौदर में इंद्र पूरी तरह से मना पाए या ना बना पाए इस बात की गारंटी नहीं है, एक ही सौदर में। ऋषभदेव भगवान के हो सकता है गर्भ जन्म कल्याण किसी और इंद्र ने मनाए हो सौदर में इंद्र ने, और दीक्षा कल्याण मनाने के लिए कोई दूसरा सौदर में इंद्र आया हो। जब ऋषभ ऐसी कैसी बात, अरे आयु पूरी हो जाए उसकी, दूसरा सौदर में इंद्र आ जाए उसकी जगह तो दूसरा बनाएगा ना। लेकिन इसके बावजूद भी एक सौदर में इंद्र अपने जीवन काल में असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याण मना लेता है। इसके बावजूद भी एक ही तीर्थंकर के पांचों कल्याणक न मना पाए, लेकिन असंख्यात तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिल जाए उसे, होता ही है ऐसा, क्योंकि उसकी आयु दो सागर की होती है और सागरों की आयु के काल में असंख्यात तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में हो चुके होते हैं। थोड़ा गणित बतला दूं अदम जी मेरे साथ, विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं उनकी आयु कितनी होती है, 1 कोटि पूर्व की होती है, बराबर। सिवंदर भगवान की आयु कितनी, युगवंदर भगवान एक, अरे बोलो तो सही कुछ तो, 1 कोटि पूर्व। बाहू स्वामी सुबाहू स्वामी सब 1 कोटि पूर्व की, बराबर। अब जब भी हुए हो, यदि आज की तारीख से हम बात करें तो आज की तारीख से लेकर पूरा एक साइकिल बीत जाने पर, माने 1 कोटि पूर्व बीत जाने पर पूरे के पूरे 20 तीर्थंकर बदल जाएंगे कि नहीं विदेश क्षेत्र में। आज से 1 करोड़ पूर्व की बात करो, 1 करोड़ पूर्व बीत गए पूरे, तो इतने समय में विदेश क्षेत्र में मौजूद जितने तीर्थंकर थे उन सब 20 तीर्थंकरों की आयु पूरी हो जाएगी ना, पूरी हो चुकी होगी, सबका निर्वाण हो चुका होगा 1 कोटि पूर्व के काल में, बराबर। फिर दूसरे पूर्व कोटि के काल में फिर 20 तीर्थंकर, फिर 1 कोटि पूर्व के काल में 20 तीर्थंकर, फिर 1 कोटि पूर्व के काल में 20 तीर्थंकर, फिर 1 कोटि पूर्व के काल में 20 तीर्थंकर। सुनो, एक सागर के टाइम पीरियड में असंख्यात कोटि पूर्व होते हैं। क्या कह दिया, एक सागर का टाइम पीरियड और एक सागर के टाइम पीरियड में असंख्यात कोटि पूर्व, सौदर में इंद्र की आयु 2 सागर की, असंख्यात कोटि पूर्व, 1 कोटि पूर्व में 20 बदलते हैं, असंख्यात कोटि पूर्व के अंदर असंख्यात तीर्थंकर हो जाते हैं जिनके पंच कल्याणक सौदर में इंद्र के माध्यम से मनाए जाते हैं। और हर पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर पालकी तो लाते ही होंगे, सभी के लाते हैं ना सब, तो फिर वही विवाद वही होता होगा बार बार, वो तो पता नहीं है कि अभी थोड़ी देर पहले तो हारा था, अभी थोड़ी देर पहले तो मनुष्य ने पालकी उठाई थी, ये दोबारा कैसे बन गई है स्थिति। 2 बातें सोचता हूं मैं इसके बारे में। नंबर 1, एक तो इस तर्क वितर्क के पीछे हेतु ये भी हो सकता है, क्या पता चांस मिल जाए, क्यों क्यों सोच सकता है, अरे भाई जिनसे हारा था वो पार्टी तो अलग थी, जिनसे हारा था मैं तो वही हूं पालकी लाने वाला व्यक्ति, लेकिन पिछले जिन तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याण के प्रसंग पे पालकी लाया था ना, और जिस पार्टी से मेरा वाद विवाद हो रहा था और जिसने अंत में ये तर्क दे दिया था कि तुम दीक्षा ले लो, वो पार्टी तो अलग थी, अब तो नए लोग हैं, क्या पता ये लोग ये तर्क देंगे कि नहीं देंगे। एक एक बात तो ये हो सकती है, ठीक है ना,
नंबर दूसरी बात, दूसरी बात कदाचित ये हो सकती है कि इस तरह का कोई विवाद होवे ही नहीं। समझ लो मैं बात क्या कह रहा हूं, क्योंकि ग्रंथकार आगमकार जो है उन्होंने ये प्रसंग लिखा तो है, लेकिन इतना कोई ऐसे झगड़े जैसा नहीं लिखा। अब उसको साहित्यकारों ने थोड़ा सा नाच कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या कारण रहा होगा उसके पीछे? उसके पीछे कारण ये रहा कि हमें ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव देवों के बीच में नहीं मनुष्यों के बीच में मनाना है। बात समझना गहराई से, हमें ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव ये मनुष्य गति के जीवों के बीच में मनाना है, और ये मनुष्य गति के जीवों से जब हम बात करते हैं तो इन लोगों की बुद्धि ऐसी दिखाई देती है, हे भगवान ये मनुष्य देह तो छूट जाए, इतनी बीमारियां है, देव पर जाए मिल जाए, हे भगवान मर के देव गति में चला जाऊं, हे भगवान मैं तो और कहीं नहीं जाना चाहता, हे भगवान स्वर्ग में चला जाऊं, हे भगवान स्वर्ग मिल जाए मेरे को तो, और तू स्वर्ग जाए चाहे न जाए मरने के बाद परिवार वाले तो स्वर्गवासी लिखी देगी। अरे जीवन भर जिसने पाप किए हो, जीवन भर पाप किए हो और मर के नरक में जाने की जिसकी गारंटी हो और आसपास वाले सब जानते हो ऐसा पापी व्यक्ति मर के नरक में जाएगा तो भी उसके नाम के आगे नरकवासी नहीं लिखते, स्वर्गवासी लिखते हैं। क्यों स्वर्ग स्वर्ग? तेरी भावना दिखाई देती है ना, मर के स्वर्ग में चला जाऊं, स्वर्ग में चला जाऊं, देवगति की प्राप्ति हो जाए, तो तुझे समझाने के लिए यहाँ ये दृश्य दिखाया जा रहा है कि देव पालकी उठाने के इस प्रसंग में ये देव लोग तरस रहे हैं मनुष्य बनने के लिए। अरे मूर्ख, तू देव बनना चाहता है और देव लोग मनुष्य बनना चाहते हैं, ये दिखाने के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए कि तुम समझो अपने आप की कीमत। तुम्हें देवगति की महिमा आ रही है, तुम्हें इंद्र के वैभवों की महिमा आ रही है, और सौदर में इंद्र ये कह रहा है कि मेरा सारा वैभव ले लो और क्षण मात्र के लिए मुझे मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जाए। मुझे ध्यान आता है प्रसंग भगवान महावीर स्वामी के चरित्र में देखा पढ़ा, भगवान महावीर पुराण में जो एक प्रसंग पढ़ने को मिला वो प्रसंग आपके बीच में सुनाता हूं। भगवान महावीर स्वामी का सौ शरण जब विपुलाचल पर्वत पर आया, विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का सौ शरण आ गया। वहीं पास में एक राजा राज्य किया करता था, जो राजा वहां राज्य करता था उसको भी बहुत खुशी का समाचार मिला, क्योंकि पूरे नगर में पूरे देश में माहौल फैल गया, भगवान के प्रसंग बन गया है, केवल ज्ञान हो गया है, उन्हें 64 दिन पूरे हो गए, विपुलाचल पार आ गए हैं, दिव्य घड़ी गिरना प्रारंभ हो गया है, प्रथम देशना गिर गई है, सावन कृष्ण प्रतिपदा का दिन प्रथम देशना भगवान महावीर स्वामी की शुरू हो गई है, पूरे नगर में माहौल चारों तरफ लोग दिव्य घड़ी बनने के लिए जाने लगे, राजा को भी इसकी खबर मिल गई, बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन भाई साहब पता है प्रसन्न क्यों हुआ? प्रसन्नता का कारण क्या था? उसकी प्रसन्नता का कारण भगवान की दिव्य वाणी नहीं था, उसकी प्रसन्नता का कारण ये था कि आज ये मौका मिला है अपना सारा वैभव प्रदर्शन करने का। खजाने बंद है वर्षों से, आज तक कभी खोले नहीं है, सारा लवाजमा सारा वैभव निकालूंगा, हाथी घोड़ों को सजाएंगे और इतने वैभव के साथ सोने चांदी रत्नों के वैभव के साथ में और हम जाएंगे भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में और दुनिया देखेगी हमारे पास में कितना वैभव है। परिणाम है भाई साहब, किसी को भी कुछ भी आ सकता है, अभिमान का परिणाम था, प्रदर्शन का परिणाम था, भाव इस तरह का आया, देखो कैसे कैसे परिणाम आ जाते हैं। आप लोगों को नहीं आते इस तरह के परिणाम? आते हैं, लॉकर कब खुलते हैं? दूरदर्शनी के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, मन की बात तो नहीं कर, 10 लक्षण में भी नहीं पहनेंगे तो फिर कब दिखाएंगे? आज तो मंदिरों में कितने लोग आएंगे, मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप मालूम है भाई विजय जी, भाई साहब अपने समाज में, पहले गांव समाज में दूरदर्शनी के दिन सब मंदिरों के दर्शन करने की परंपरा है, बचपन से हम भी करते थे, आज के दिन तो सब मंदिरों के अंदर जाएंगे, सब मंदिरों में दर्शन करेंगे और सच सच करके जाएंगे। ऐसा ही राजा को परिणाम आ गया तो आप उसको बुरा क्यों कह रहे हो? आपको आए तो बुरा नहीं और उसको आ गया तो बुरा?
चलो जो भी हुआ हो उसके लिए जब परिणाम आया, और अपने वैभव के साथ में जब वो जा रहा था तो उसी समय सौदर्विंद्र को पता लग गया, अरे ये राजा ऐसे परिणामों के साथ में जा रहा है, ये तो अच्छा नहीं है। और ऐसा विचार करके सौदर्विंद्र अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ, अपने ऐरावत हाथी के साथ में, अपने वैभव के साथ में जिधर से राजा जा रहा था उसके बगल से अपने वैभव के साथ में गुजरने लगा। फिर क्या होगा, राजा का सारा वैभव सब फीका पड़ गया। सौदर्य में इंद्र के वैभव के साथ सामने ये राजा का वैभव क्या है, कुछ भी नहीं है, सारा वैभव फीका पड़ गया। बेचारा लज्जित हो गया, बेइज्जत हो गया, शर्मसार हो गया, पानी पानी हो गया, क्या करे, ऐसी स्थिति है, शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। थोड़े समय बाद समव शरण में पहुंचे, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि चल रही थी। अब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि चलते चलते भगवान महावीर स्वामी का उपदेश सुनते सुनते थोड़ी देर बाद ही वो जो राजा था उस राजा ने सौदर्य इंद्र को पुकारा, हे सौदर्य इंद्र, तूने मुझे मान में परास्त कर दिया, तूने मुझे वैभव में परास्त कर दिया, तूने मेरे अभिमान को चकनाचूर कर दिया, लेकिन आज भगवान महावीर स्वामी के सामने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं, इसमें परास्त करके बता फिर क्या हुआ होगा। हरे सौदर्य इंद्र आया और चरणों में पड़ गया, महाराज ये संयम के वैभव के आगे स्वर्ग का वैभव हार गया। अरे मनुष्य जीवन संयम अंगीकार करने के लिए मिला है, आप में वो सामर्थ्य है कि सम्यक दर्शन पूर्वक, आत्मानुभव पूर्वक, अंतर्मुखी पुरुषार्थ पूर्वक चौथा वन स्थान ही नहीं, पांचवा ही नहीं, छठे सातवें वन स्थान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ अंतर्मुखी है, ये सामर्थ्य हमारे में है, आप भी पंचम वन स्थान तक जा सकते हैं। तो लक्ष्य चौथे का नहीं पांचवे का बनाना, लक्ष्य पांचवे का नहीं छठे सातवे का बनाना, ये महाभाग्य से हमारे को अवसर मिल गया है भाई साहब। ये तीर्थंकरों के सानिध्य में दीक्षा लेने का अवसर मिल गया है, आज मन में दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर अवसर मिल गया है हमारे को उनके साथ में संयम अंगीकार करने का, बनाना भाव। अब विषयों में नाही फंसेंगे निजानंद पाने करेंगे, भाई ये संयम का प्रसंग है, और हमारे हृदय में हमारे परिणामों में संयम की भावना जागृत हो, विषय भोगों से छूटने की भावना हो, पहले तत्व ज्ञान, पहले तत्व निर्णय, फिर तत्व निर्णय पूर्वक सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति चतुर्थ गुण स्थान, फिर व्रताधिक का अंगीकार पंचम गुण स्थान, फिर महाव्रतों का अंगीकार छठा सातवा गुण स्थान, इतनी अवस्था हमारे जीवन में होगी, और हमारे जीवन में वर्तमान जीवन में इस प्रकार की अवस्था प्रकट हो, शीघ्रातिशीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं रखते हैं।